हेलो दोस्तों, आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कंपैरेटिव एडवांस्ड थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द डेविड रिकार्डो। जो डेविड रिकार्डो थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको जाना जाता है कंपैरेटिव एडवांस्ड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आज बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसी थ्योरी का एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे क्या था ये थ्योरी, ताकि जानते इस सिद्धांत के बारे में। तो इन्होंने इस थ्योरी में बोला था कोई भी कंट्री है उसको क्या करना चाहिए, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है तो कम अवसर लागत पे प्रोडक्शन करना चाहिए, मतलब लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस चीजों का प्रोडक्शन करना चाहिए, और उसी गुड्स का जो प्रोडक्शन लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे हो जा रहा है उसी का एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या बोला था। कोई भी कंट्री है बाय द प्रोड्यूसिंग द सर्टेन गुड्स इट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब जो कोई भी कंट्री है उसको क्या करना चाहिए, कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए इट लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना चाहिए, किस पे करना चाहिए, लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना चाहिए। ताकि दोस्तों जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, तो आइए जानते हैं। जो कॉस्ट ऑफ ऑर्डर अल्टरनेटिव, मतलब ये क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है कॉस्ट ऑफ ऑर्डर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूज़न, मतलब जब कोई चीज आप मतलब आप चूज कर चुके हो उसके बदले में आप उस दूसरे को भी आप यूज कर सकते थे, जो दूसरा आप यूज नहीं की हो उसी के कॉस्ट को क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आइए दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, उसके पास दो ऑप्शन है, एक पेन प्रोडक्शन करने का एक मार्कर प्रोडक्शन करने का। तो प्रोड्यूसर जो है क्या किया, पेन का प्रोडक्शन कर रहा है, पेन का प्रोडक्शन करने लगा तो क्या हुआ, उसने मार्कर को छोड़ दिया, मार्कर को जो छोड़ रहा है क्या है, ये अपॉर्चुनिटी अवसर बन जा रहा है, किसके लिए, ये प्रोड्यूसर के लिए अवसर बन रहा है कि इसका भी हम प्रोडक्शन कर सकते थे। तो एक अपॉर्चुनिटी था किसके पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था किसके पास, प्रोड्यूसर के पास, कि हम मार्कर को भी प्रोडक्शन कर सकते थे। तो जो प्रोड्यूसर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या पेन का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है वो मार्कर हो सकता है, कि मतलब इसने मार्कर का प्रोडक्शन नहीं किया, इसके जगह पर किसका किया, पेन का किया। तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑर्डर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूज़न, हम लोग क्या किए हैं, पेन का प्रोडक्शन करने के लिए चूज कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर अल्टरनेटिव जिसका हम लोग चूज नहीं किए, जिसको हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं उसका कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो मार्कर का जो कॉस्ट होगा उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। तो आप बेसिकली समझते हैं, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं एडवांटेज कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द डेविड रिकार्डो। आइए बात करते हैं इन्होंने क्या कहा था, कि इस थ्योरी में डिफिनेशन दिया था व्हाई द प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड्स एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उस चीज का आप प्रोडक्शन करो जो लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में प्रोडक्शन कर सकते हो। और उन्होंने सजेशन दिया कि जो गुड्स कंट्री लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कोई चीज प्रोडक्शन कर रहा है तो उसी का क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। सजेशन ने क्या किया कि जो कंट्री किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर ले रहा है तो उसी का क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, दूसरे देश से दूसरे देश में क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, जो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बात कर दे रहा है। तो यहाँ पे किसकी बात आ गई, इंटरनेशनल ट्रेड की। तो ये थ्योरी था इनका, ताकि समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक्सपोर्ट किस गुड्स का करना चाहिए, जो लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो जा रहा है। अब फिर उन्होंने कहते हैं प्रोडक्शन भी उसी गुड्स का करना चाहिए जो लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे प्रोडक्शन, मतलब लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे उसका प्रोडक्शन हो जा रहा है उसी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो आप इनका सजेशन समझ गए होंगे और डिफिनेशन समझ गए होंगे कंपैरेटिव एडवांस्ड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आइए जानते हैं कि एग्जांपल के थ्रू ये क्या बोल रहे थे, ठीक है। मान लीजिए कि एग्जांपल है, मतलब एजम्पशन है, आइए जानते हैं। मान लीजिए कि दो कंट्री है, यूएसए है यूके है, क्या किया, ठीक है, पूरा दोनों क्या करते हैं अपना रिसोर्सेज यूज करके क्या करते हैं, यूएसए क्या करता है 100 मोबाइल प्रोडक्शन करता है और टेबलेट 200 प्रोडक्शन करता है रिसोर्सेज यूज करके यूएसए, और यूके जो है उतने रिसोर्सेज यूज करके क्या करता है 80 मोबाइल प्रोडक्शन करता है और टेबलेट कितना करता है 100 करता है। तो आइए दोनों का अपॉर्चुनिटी का देखते हैं, फिर बात करते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कैसे निकलेगा एग्जांपल के थ्रू। आइए देखो, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ मोबाइल, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक मोबाइल को प्रोडक्शन करने में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस मोबाइल का क्या होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जो यूएसए है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे 100 मोबाइल का प्रोडक्शन कर रहा है और 100 मोबाइल के साथ साथ उसने 200 टेबलेट का भी प्रोडक्शन कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मोबाइल का क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब भाग कर दें मोबाइल का
टेबलेट में, तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पर यूनिट ऑफ मोबाइल का देख रहे हैं। तो अगर हम टेबलेट जो है उसका भाग कर दे, हम लोग 200 टेबलेट प्रोडक्शन कर रहा है टोटल, तो हम लोग 100 मोबाइल टोटल मोबाइल में से भाग कर दे तो हमको 2 पता चल रहा है। मतलब एक एक मोबाइल बनाने में उससे को 2 टेबलेट का सेक्रीफाइस करना पड़ा है। तो जो 2 है टेबलेट, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मोबाइल। एक मोबाइल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 2 टेबलेट है। क्या है, 2 टेबलेट है। आप बेसिकली समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टोटल मोबाइल जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं एग्जांपल में 100 मोबाइल का यूएसए, और टेबलेट का कितना कर रहा है 200। ठीक है, तो अगर हमको अपॉर्चुनिटी का मोबाइल का पता करना है तो क्या करेंगे कि हम भाग कर देंगे, तो भाग कर रहे हैं तो 200 टेबलेट में 100 का मोबाइल का टोटल मोबाइल का भाग कर दे रहे हैं, तो हमको कितना पड़ा 2। तो मतलब पर यूनिट की बात कर रहे थे वार्डर, तो एक मोबाइल बनाने में उसको 2 टेबलेट का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस, 2 टेबलेट का प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। तो एक मोबाइल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, 2 टेबलेट होगा। ठीक है, उसी तरह यूएसए क्या, यूके क्या कर रहा है, यूके क्या कर रहा है कि यूके का मोबाइल में क्या हो रहा है कि उसने क्या कर रहा है, 100 टेबलेट है उसका, 100 टेबलेट में किसका भाग कर दे रहा है मोबाइल का, 80 टोटल मोबाइल जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसका क्या आ रहा है 1.25। मतलब उसको उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आ रहा है वो 1.25, मतलब 1.25 टेबलेट का सेक्रीफाइस कर रहा है एक मोबाइल बनाने में यूके। ठीक है, उसी तरह हम अब इसी केस को हम लोग देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द टेबलेट का देख लेते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द टेबलेट देख लेते हैं, पर यूनिट ऑफ द टेबलेट। ठीक है, टेबलेट का देखते हैं, यूएसए जो है ये क्या कर रहा है, 100 मोबाइल का प्रोडक्शन कर रहा है, टोटल मोबाइल में हम टोटल टेबलेट का भाग कर देंगे तो 0.5, मतलब कि जो यूएसए है 0.1 अपना टेबलेट तैयार कर ले रहा है, मतलब एक टेबलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तैयार कर ले रहा है 0.5। मतलब इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना लो है, मतलब 0.5 पे ही उसने एक टेबलेट बना दे रहा है, मतलब उसका आधा कॉस्ट लग रहा है एक टेबलेट बनाने में, जितना मोबाइल में खर्च लग रहा है मोबाइल का आधा खर्च लग रहा है उसको एक टेबलेट बनाने में यूएसए को। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया टेबलेट का पर यूनिट का 0.5। उसी तरह यूके का क्या हो गया, भाग कर दिए तो हमको 0.8 पता चल गया, 80 में से हम यहाँ पे भाग कर दिए तो हमको 0.8 पता चल गया वह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टेबलेट का हो गया। मतलब एक थ्योरी दिए थे, तो इन्होंने क्या बात किया था यहाँ पे आप नोटिस किए थे, उन्होंने कहा उस गुड्स का प्रोडक्शन करो, उस गुड्स का एक्सपोर्ट करो जो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो, लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर सकते हो। तो इस थ्योरी का आप लोग देखो, यहाँ पे यूएसए क्या है, यूएसए यहाँ पे मोबाइल का प्रोडक्शन कर रहा है 2 टेबलेट पे, मतलब एक मोबाइल बनाने में 2 टेबलेट को छोड़ना पड़ रहा है उसको, तो क्या है इसमें लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लग नहीं रहा है। लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूएसए के लिए कहां पे, यहां पे नोटिस करो, यहां पे किस पे 0.5, मतलब उसको एक टेबलेट बनाने के लिए 0.5, मतलब जो आधा लागत होता है एक मोबाइल तैयार करने में उसको छोड़ना पड़ा है, तो मतलब उसको बहुत लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ना पड़ा है, मतलब 0.5 मोबाइल छोड़ना पड़ा है। तो क्या है यूएसए का प्रोडक्शन किसमें सबसे अच्छा इफिशियंसी है, मतलब टेबलेट बनाने में, मतलब यहाँ पे क्या था इसका मोबाइल बनाने में इसको 2 टेबलेट छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे टेबलेट का जो प्रोडक्शन यूएसए कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है, कम कॉस्ट पे कर रहा है, लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रहा है, तो क्या हो गया 0.5। तो इस सिद्धांत के अनुसार यूएसए का किसका किस वस्तु का ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए और किस वस्तु का एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो यूएसए को प्रॉफिट किसमें मिला है, यूएसए को प्रॉफिट इस थ्योरी के अनुसार किसमें मिला है, टेबलेट प्रोडक्शन करने में, क्योंकि इसमें इसका टेबलेट प्रोडक्शन करने में लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है 0.5 लग रहा है, जो मोबाइल प्रोडक्शन करने में 2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। तो यूएसए को किसका एक्सपोर्ट करना चाहिए, टेबलेट का करना चाहिए, और प्रोडक्शन किस गुड्स का करना चाहिए, टेबलेट का करना चाहिए। ओवरऑल यही थ्योरी था, एक कंपैरेटिव एडवांस थ्योरी आप इंटरनेशनल ट्रेड। अब ठीक है, उसी तरह यूके का केस में देख लेते हैं, जो यूके है वो क्या करता है, यूके प्रोडक्शन कर रहा है, यूके जो है उसका एफिशिएंसी देखते हैं, यूके जो है यहाँ पे 1.25, मतलब एक मोबाइल बनाने में उसको टेबलेट छोड़ना पड़ा है 1.25। ठीक है, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा है मोबाइल का, यहाँ भी यूके का जो है 1.08 मोबाइल, मतलब 0.0 टेबलेट बना रहा है तो 0.8 मोबाइल का छोड़ना पड़ा है। तो अगर मोबाइल को किसी कंट्री को प्रोडक्शन करना है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूएसए को बहुत ज्यादा छोड़ना बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इसको छोड़ के
मोबाइल का प्रोडक्शन किसको करना चाहिए, इफिशियंसी के आधार पे यूके को करना चाहिए जिसका अपॉर्चुनिटी कास्ट बहुत लो है। तुलना दोनों का करेंगे कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी तो देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कास्ट लो मोबाइल प्रोडक्शन करने में किसका है, यूके का है। तो यूके को मोबाइल प्रोडक्शन करना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो मोबाइल प्रोडक्शन किसको करना चाहिए, यूके को करना चाहिए, तो यूके को प्रॉफिट मिलेगा। इस थ्योरी में वो बेसिकली ऐसे बात करते थे। अब फिर अगर टेबलेट देखा जाए प्रोडक्शन किसको करना चाहिए, तो आइए देखते हैं यूएसए के ना टेबलेट प्रोडक्शन कितने अपॉर्चुनिटी कास्ट को कर रहा था 0.5 और यूके जो है टेबलेट प्रोडक्शन कर रहा था 0.8। जो यूएसए है उसकी इफिशियंसी है लो अपॉर्चुनिटी कास्ट पे ज्यादा टेबलेट प्रोडक्शन करने का, तो यूएसए को जो है क्या करना चाहिए, यूएसए को क्या करना चाहिए, टेबलेट का प्रोडक्शन करना चाहिए जो यूके यूके को नहीं करना चाहिए। तो दोनों के बताते हैं कि जो कम जो गुड्स आप लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में प्रोडक्शन कर सकते हो उसी का आप एक्सपोर्ट करो प्रोडक्शन करो। तो यूएसए को किसका करना चाहिए, टेबलेट का प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। और यूएसए यूके को किसका करना चाहिए, मोबाइल का प्रोडक्शन करना चाहिए। ये इन दोनों का कंपेरेटिव करो, इन दोनों का कंपेरेटिव करो तो दोनों से पता चलता है यूके का जो इफिशियंसी है प्रोडक्शन करने में लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे किसका है, वो है मोबाइल का है। और यहाँ पे अगर टेबलेट में कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों लोग का, तो यूएसए जो है कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे ज्यादा टेबलेट प्रोडक्शन कर रहा है। तो यूएसए को किस चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए, टेबलेट का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो इन्होंने कहा जब आप कम अपॉर्चुनिटी का आपको प्रोडक्शन करोगे तो उसी गुड्स को क्या करो, आप दूसरे से सेल कर दो। इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर देते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड उसी गुड्स का होना चाहिए जो कम अपॉर्चुनिटी कास्ट का प्रोडक्शन होता है। यही इनका क्या था, थ्योरी था। तो जब कम अपॉर्चुनिटी कास्ट वाले को आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको प्रॉफिट ही तो हो रहा है, कम अपॉर्चुनिटी कास्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो आपको प्रॉफिट ही ज्यादा मिल रहा है, यही इनका थ्योरी था। ये थ्योरी को हम लोग ग्राफ के द्वारा देख लेते हैं। मान लीजिए ये प्रोडक्शन आप द यूएसए लाइन है, ठीक है, ये प्रोडक्शन आप द यूएसए लाइन है, ये प्रोडक्शन आप द यूके लाइन है, ठीक है। जो मोबाइल का प्रोडक्शन है, मोबाइल का प्रोडक्शन कितना कर रहा है यूएसए, 100 कर रहा है, ठीक है, और यूके कितना कर रहा है, 80 कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 80 में 100 में 80 का भाग कर देंगे मोबाइल में, तो 100 में 80 का भाग कर देंगे यूके का यूएसए में मोबाइल प्रोडक्शन भाग करेंगे तो 1.25 आएगा। मतलब जो यूके है, मतलब यूएसए है, वो 2 टाइम प्रोडक्शन ज्यादा किससे कर रहा है, यूके के मोबाइल के एरिया में 2 टाइम ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, फील्ड में यूएसए कर रहा है। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं इस ग्राफ में ये प्रोडक्शन, ठीक है, उसी तरह हम लोग टेबलेट के फील्ड में देख लेते हैं। तो टेबलेट कितना है, यूके का ये लाइन है, प्रोडक्शन लाइन है, तो कितना टेबलेट यूज कर रहा है, 100 प्रोडक्शन कर रहा है टेबलेट का, और जो ए टेबलेट का प्रोडक्शन कर रहा है 200। तो हम 200 में 100 का भाग करेंगे तो 2 आएगा। जब 2 का भाग 2 आता है तो मतलब 2 टाइम जो प्रोडक्शन रेट है, इफिशियंसी है इसका ज्यादा, यूके से ज्यादा प्रोडक्शन है। तो ग्राफ किसका है, कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी या डेविड रिकॉर्डो इंटरनेशनल ट्रेड। तो आप बेसिकली होप करते हैं आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। अब मैं एक बार और बता देता हूं कि कोई भी कंट्री को उसी चीज का वस्तु का प्रोडक्शन करना चाहिए जो लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो, और जब लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर सकते हो तो क्या करना चाहिए, उसी गुड्स का आप क्या करो, एक्सपोर्ट करो, और एक्सपोर्ट और उसी गुड्स का आप प्रोडक्शन करो, तो क्या हो गया, पूरा ओवरऑल कंपेरेटिव एडवांटेज जो हम यहाँ पे देखे हैं, कंपेरेटिव तुलना की है कि यूएसए जो है मोबाइल के क्षेत्र में 2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर रहा है यहाँ पे, और वही मोबाइल प्रोडक्शन करने में यूके को लग रहा है 1.25। मतलब वो कंपेयर किया जा रहा है तो मोबाइल के क्षेत्र में लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में यूके जो है मोबाइल ज्यादा प्रोडक्शन कर ले रहा है। तो क्या करना चाहिए, कंपेयर के आधार पर यूके को मोबाइल प्रोडक्शन करना चाहिए, लेकिन टेबलेट के फील्ड में हम लोग देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आधार पर देख रहे हैं तो लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका लग रहा है, टेबलेट प्रोडक्शन करने में यूएसए जो कंट्री है वो लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे ज्यादा टेबलेट प्रोडक्शन कर दे रहा है। तो यूएसए को क्या करना है, टेबलेट प्रोडक्शन करना चाहिए, यूके को जो क्या करना चाहिए, मोबाइल प्रोडक्शन करना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए। यही इनका थ्योरी था, और ये इंटरनेशनल थ्योरी आप समझ जाइएगा इंटरनेशनल ट्रेड क्या था, उसी गुड्स का आप एक्सपोर्ट करो जो आप ट्रेड करो जो आप कर रहे हो, और जो गुड्स आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे उसको क्या करो, दूसरे देश से खरीदो, इंपोर्ट करो। ये इनका थ्योरी था, होप करते आपको इस थ्योरी को समझ आया होगा। कोई गलती हुआ होगा कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।